हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह मेरे वीडियो ही सभी कुछ खतरनाक ही होते हैं और बिल्कुल ही क्लियर बात हो, क्लियर कोई भी बात होती है बिल्कुल क्लियर ही बात करना मैं पसंद करता हूँ। ना कि मेरे पास कोई फ्रॉडिंग है, ना ही कोई मेरे पास धोखाधड़ी है किसी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है तो दोस्तों मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए बहुत जल्दी मेरे पास ऑफलाइन चालू होने वाला है, तो ऑफलाइन की अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या है, बुकिंग करने में क्या होगी कि आपको जैसे कि बैच चालू करेंगे तो बैच में आपको उसमें नॉर्मली तरीके से आपको मिल जाएगा एडमिशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको कोर्स के अंदर मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और आपको वायरिंग, डीसी कन्वर्टर, एक्जुम चार्जर, यूटीएल चार्जर, रोटरी चार्जर और मैनुअल चार्जर और काफ़ी सारे कोई चीज़ है, डिफेंसर, हैंडल का बैरिंग, सभी चीज़ें को बिल्कुल डिटेल से कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज की कोई एक वीडियो है जो ये वाली बहुत खास है आप लोगों के लिए। देखिए, एक मेरे पास एक डिवाइस आई है, देखिए ये मेरे पास डिवाइस आई है मोटर कंट्रोलर को चेक करने के लिए। आ तो काफी दिन गया था मेरे पास, से 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन क्या होता है कि ना, मैं कोई भी काम ऐसा होता है कि कोई भी काम जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल ही प्रूफ के साथ करता हूँ। मेरे पास देखिए काफी सारे मशीन आए हैं, देखिए इसमें करीबन देखिए कितने सारे मशीनें हैं, देखिए ये देखिए करीबन करीबन 8-10 मशीनें हैं और काफ़ी सारे मशीन मेरे कोरियर के माध्यम से आया हुआ है। और ठीक है, ये भेजा भी किसने है, ये मेरे पास एक स्टूडेंट थे तो मैं दिल्ली जा नहीं पाया था, तो ऐसा था कि दिल्ली मैं गया नहीं, तो स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट ही ने वो कोरियर से इसको हमारे पास से भेजे हैं। 10 मशीनें हैं लमसम, 10-12 मशीनें जो भी हैं इसमें आई हुई हैं। लेकिन हम ये आने को तो 3-4 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि देखिए मेरे पास इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था इस मशीन के ऊपर। हमने मंगा तो लिया था इसको, लेकिन मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है। मान लीजिए मैं किसी को अगर देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंटों को देता हूँ या किसी भी आपको मैं देता हूँ, तो उसमें वर्किंग ना करे या सही से काम ना करे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कि एक तरह का फ्रॉडिंग हो जाता है। तो मैं 3-4 दिन से इसको टेस्टिंग ही कर रहा था, देखिए ये वाली मशीन जो लगी हुई है ये मैं टेस्टिंग कर रहा था जी, इसकी रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा काम करता है, या बाकी जो खराब है वो खराब बताता भी है या पता लग गया ऐसी बस फ्रॉडिंग है। ठीक है, तो ये 100% काम करता है और बहुत अच्छी मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई जगह यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि इसे ई रिक्शे का मोटर चेक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे आप ई रिक्शे का मोटर 750 वाट से लेके अपना 1500 वाट, 3500 वाट तक का मोटर से चेक कर सकते हैं। ई बाइक का भी मोटर आप चेक कर सकते हैं और कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर है, सभी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ और डिटेल में मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो लंबा हो तो भी इसको देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन जाने से आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना नए नए टॉपिक लाते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, और कोर्स करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 8931000172। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये डिवाइस है, ये कंपनी की तरफ से टेप लगा हुआ ताकि गाड़ी रास्ते में ऑन ना हो, लेकिन ये ऑन हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पीछे 4 स्क्रू लगे हुए हैं देखिए, और इसमें 9 वोल्ट की बैटरी अंदर लगा हुआ है। मैं इसका टेस्टिंग भी बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर हम लाइट बंद कर, देखिए इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक रेड बैटरी का इंडिकेटर का बल्ब शो करता है, देखिए। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कुछ साइड में कुछ वो दिखा गया है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ सॉकेटें हैं, सॉकेटें कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसमें लमसम लमसम 6 सॉकेटें हैं, 3 तो 5 है, 5 सॉकेटें हैं। देखिए इसमें 2 तो आपका देखिए ये सेंसर का हो गया, मैं शुरू से बताता था इस तरह से। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोलर मेन फेस लाइन, मतलब कि ये जो 3 सॉकेटें हैं, ये वाली 3 वाली थिम्बल हैं, ये वाली अपनी कंट्रोलर की है,
और ये वाली जो है कि ये मोटर का हॉल सेंसर के लिए है। देखिए ये कंट्रोलर हॉल सेंसर, मतलब कि इसके अंदर एक सॉकेट आती है, वो मैं आपको सॉकेट दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर एक सॉकेट आती है इस प्रकार की, ठीक है। तो ये सॉकेट इसके अंदर लग जाएगा और ये हमारा कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर का हॉल सेंसर का जो कंट्रोलर का वायर है उसके अंदर चला जाता है। ये मतलब कि ये वाला जो वायर है ये अपना कंट्रोलर की टेस्टिंग के लिए है, मोटी वाली जो कंट्रोलर हमारा, मतलब मोस्फेट सेक्शन को चेक करने के लिए ये वाला हमारा, ये मोस्फेट सेक्शन के लिए ये वाला एरिया काम करता है। मैं मार्कर से निशान लगा के बना देता हूँ। देखिए मोस्फेट सेक्शन के लिए जो होता है, देखिए यहाँ से ये, यह देखिए यहाँ पे कंट्रोलर लिख रहा है ना, कंट्रोलर, देखिए ये कंट्रोलर लिखा हुआ है, तो ये वाला सेक्शन एरिया काम करता है यहाँ से, ये अपना कंट्रोलर के लिए। और ये वाला जो है ये हमारा मोटर के लिए है। ये वाला दोनों एरिया एक साइड का सेंसर का हो गया और एक हमारा कॉइल को चेक करने के लिए। ये 5 वोल्ट के लिए है और ये हमारा बैटरी इंडिकेटर के लिए है, ये टोटल ग्रिप के लिए है। ओके, तो इसमें क्या है कि देखिए क्या है कि नॉर्मली देखिए ये हमारा क्या है, कंट्रोलर का हो गया, ये हमारा कंट्रोलर का देखिए ये हमारा कंट्रोलर का हो गया, ये हमारा कंट्रोलर हॉल सेंसर का हो गया, ये हमारा मोटर का हॉल सेंसर के लिए हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये मोटर को चेक करने के लिए है, इसका कॉइल सही है या नहीं सही है, या मैग्नेट इसका सही है या नहीं सही है, इससे भी पता लगेगा। ओके, और ये हमारा थ्रॉटल के लिए, ओके ये हमारा थ्रॉटल के लिए, थ्रॉटल टेस्टिंग के लिए है। इसमें कैसे टेस्टिंग की जाती है ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चलिए ये कंट्रोलर एक डिवाइस को मैंने यहाँ लगा रखा है, और देखिए कंट्रोलर को चेक करने के लिए क्या करना है कि कंट्रोलर को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है गाड़ी का, रिक्शे के अंदर से, रिक्शे के अंदर सिर्फ मोटर की तारें खोलनी है और बाकी कुछ नहीं खोलना है आपने, बाकी सब वहीं के वहीं लगे रहने देना है। थ्रॉटल का भी तार लगे रहने देना है, बैक का भी तार लगे रहना, सभी चीजें वहीं लगे रहने देना है एक्यूरेट, बस सेंसर का तार आपने निकालना है और ये वाला तार निकालना है, ठीक है। तो मैं लाइट ऑफ करता हूँ और कुछ क्लियर तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, ये लगा हुआ है ना, देखिए हमारा ये कंट्रोलर में पॉजिटिव वायर लगा है और ये हमारा नेगेटिव वायर लगा है। देखिए ये हमारा पॉजिटिव वायर लगा है, ये हमारा नेगेटिव वायर लगा है। देखिए और इसमें इस कंट्रोलर का देखिए ये हॉल सेंसर का वायर ये लगा हुआ है तार, मैं अभी चेक कराता हूँ। और ये देखिए हमने नीले को नीले में जोड़ रखा है और हरे को हरे में और पीले को पीले में जोड़ देना है। ओके, और देखिए ये हमने थ्रॉटल लगा दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए हमने थ्रॉटल लगा दिया हुआ है, नॉर्मली थ्रॉटल लगा दिया है। थ्रॉटल भी हम चेक करने का तरीका बताएंगे कैसे, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि नॉर्मली तरीके से बस इसमें कनेक्शन करना है, बस ये है कि इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है और क्लियरली बता देगा कि ये हमारा कंट्रोलर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कंट्रोलर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज ये डिवाइस को बिल्कुल क्लियर बताएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो भी मैं यहाँ पे चला के प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और मोटर को कैसे चेक करते हैं और कॉइल को कैसे चेक करते हैं ये भी इस तरीके को साबित करूंगा इसमें, कैसे चेक करने का तरीका है। तो मैं नॉर्मली एमसीबी ऑन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे हॉल सेंसर का तार निकाल देता हूँ और एमसीबी ऑन कर देता हूँ। देखिए ये लाइट बंद कर देता हूँ मैं, ये वाला देखिए अभी मैं जैसे कि ये इस वाले सॉकेट को कनेक्ट करूंगा तो देखिएगा इसके अंदर 5 वोल्ट का ये वाला एलईडी जल जाएगा, ये एलईडी 5 वोल्ट की जल गई, इसका देखिए जल गई ना ये वाली, देखिए इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। ये देखिए ये एलईडी हमारी जल गई 5 वोल्ट की, देखिए मैं निकालता हूँ, देखिए जल रही है ना, इसको मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ, देखिए जल रही है, देखिए जल रही है। अब ये सॉकेट को निकालूंगा तो ये बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया, तो दोबारा इसको लगा देते हैं। ये 5 वोल्ट का ये स्विच के ऑन ऑफ के स्विच के कनेक्शन नहीं है। अभी नॉर्मली क्या करेंगे, इस टोटल को हम इंक्रीज करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के एमसीबी तो ऑन है हमारा 5 वोल्ट आ गया, अब इस टोटल को इंक्रीज करते हैं, देखिए देखिए ये देखिए हमारी एलईडी जो है ये पीछे के लिए, एक बार लाइट बंद करो, मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने हमारे जितने भी यूट्यूब परिवार हैं उनको पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूँ इसको कि हमारा वाकई ये वीडियो, और वहां से देख लाइट बंद करो ये वाली मेन, देखिए अब वाकई ये दिखेगा पूरा, देखिए ये 5 वोल्ट का हो गया, देखिए मतलब कहने का मतलब है, देखिए हम इसको जितना तेज करेंगे ना
उतनी तेजी से ये घूमेगा। हम टोटल देखिए, टोटल अगर हम कम कर रहे हैं तो इसकी क्या होगी कि जितना टोटल हम कम करते जाएंगे, टोटल कम करेंगे तो क्या है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इस बलफिया का स्पीड कम होगा और इसकी जलने की फ्लक्चुएशन भी कम होगा। देखिए हम टोटल को घुमाते हैं तो देखिए ये पूरा फुल तेज हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है कि हमारा ये कंट्रोलर जो ओके, अभी एक बार ऐसा करते हैं इसका तार को चेंज करते हैं, तार को चेंज करके देखते हैं क्या हमारा वाकई ये तार चेंज पे भी काम करता है या नहीं करता है। कहीं ऐसा ना हो तार चेंज पे काम ना करे, भैया मोटर की मैचिंग जैसे बैठती है वैसे ही बैठने पे काम करे, तो ये भी है ना, सभी चीजें चेक होना चाहिए बिल्कुल कायदे से। ये देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इसपे यहाँ पे तार को चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कुल मिला देते हैं, देखिए तार चेंज करने के बाद एक काम कर रहा है, मतलब कुल मिला जुला के बात यहाँ आ रही है कि अगर आप इसमें जल्दीबाजी जल्दी जल्दी में चेक कर रहे हैं तो आपको इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये कंट्रोलर जो है कि मतलब कि हमारा ये मशीन कंट्रोलर अगर खराब भी सही है तो ये हमारा मशीन गलत नहीं बताएगा उसको। लेकिन अभी मैचिंग नहीं है तो देखिए ये चार जल रहा है, दोबारा हम इसको ऑफ करते हैं और इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, एक बार मैच करते हैं। ओके ये वाला तार हमने पीले वाले को पीले में लगा देते हैं और नीले वाले को दोबारा नीले में लगा देते हैं। अब चेक करते हैं। ओके यहाँ पे चिमटी लगाने का काफी फायदा है, देखिए आप बिल्कुल मैच है तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कंट्रोलर का टेस्टिंग ओके हो गया, और इसमें लाइट जला दो वहां से, कंट्रोलर का टेस्टिंग का ओके हो गया। और 5 वोल्ट का सेक्शन में अगर वोल्टेज नहीं आता है तो ये हमारे बल्ब नहीं जलेगी और हमारा कंट्रोलर वर्किंग नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, चलिए मोटर को चेक करते हैं, सेंसर का मोटर का काम करता है या नहीं करता है, ये भी चीजें हमारी एमसीबी बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास क्या है कि ये कंट्रोलर हटा देते हैं, कंट्रोलर का काम नहीं है हमारे पास, कंट्रोलर की तो टेस्टिंग हो चुकी है ना, तो कंट्रोलर को हटा देते हैं फटाफट। और हम इसको क्या करते हैं, सेंसर का तार को भी निकाल देते हैं, और इसमें सभी चीजें वर्किंग करके दिखाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जो मैं सभी वीडियो में शुरू से ही करते आया हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी हमारे यूट्यूबर हमारे पे यूट्यूब वाले हमारे फ्रेंड्स हैं उनके पास कोई भी एक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। कहने का मतलब है उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे कोई भी चीज होगा। तो इसको यहां दबा के और इसको नॉर्मली खींच लेंगे बाहर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जैसे कि आपको पता है कि मेरा ये सेंसर का वो है मोटर का, तो मैं अभी देखिए मोटर का सेंसर भी टेस्ट करके बताता हूँ। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये डिवाइस को साइड कर लेता हूँ और थोड़ा सा मेरे को ये कैमरा भी उधर ही ले जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली देखिए ये हमारे पास मोटर के तीनों फेज की वायर है और ये सेंसर का वायर है। ठीक है, तो सेंसर की वायर को क्या करेंगे, देखिए ये हमारा डिवाइस है तो सेंसर की वायर ये हमारा इसमें डायरेक्टली लगा देंगे। ओके, और हमारा इसमें देखिए कोई मैचिंग की दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी लगा दिए कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे बटन है इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाली बलफिया जल गई और सेंसर लगा, जब इसको देखिए यहाँ देखिएगा जब धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये वोल्टेज जो बलफिया है ये इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब कि ये लाइन की अप डाउन बलफिया होंगी। देखिए 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 जोर से घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे टक टक कर रहा है, देखिए देखिए इसका मतलब अगर इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो एक जलेगा, आप धीरे धीरे घुमाएंगे फिर दूसरा जलेगा फिर तीसरा जलेगा, इस प्रकार से काम करेगा। देखिए सापट को घुमा रहा हूं मैं, इसकी एक्सल को सापट को घुमा रहा हूं, देखिए सापट को घुमा रहा हूं, देखिए देखिए लाइट बंद करो ऊपर की, देखिए इसकी हम सापट को घुमा रहे, देखिए एक्सल वाली रॉड को घुमा रहे, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, देखिए। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए ये चीज हमने चेक कर लिया है और इसको डिवाइस को हम ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिया हमने, सेंसर चेक कर लिया, सेंसर की तार को हमने निकाल देना है, देखिए सेंसर को तार निकाल देना है, और यहाँ पे हमारे को क्या है कि चेक करना है मोटर को, तो मोटर की तारें चेक करनी है, देखिए। ठीक है, मोटर की तारें चेक करनी है तो हमारे को ये पीला लगा देना है यहाँ पे, ये देखिए पीला लग गया। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होती है मेरी, लेकिन मेरी वीडियो में पूरी सच्चाई होती है, मैं फ्रॉडिंग का कोई वीडियो नहीं है। देखिए ये हमने लगा दिए यहाँ पे, ये हमने तीनों वायर लगा दिए मोटर के, देखिए तीनों फेज के वायर हमने सीधा जोड़ दिए, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा अगर नहीं जोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत है। देखिए डिवाइस बंद है लेकिन जब सापट घुमाएंगे तो यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए, देखिए
यहाँ पे जो हम सापट घुमाएंगे तो इसका मतलब इस मोटर से आउटपुट करंट आता है तो ये बल्ब जलेगा। देखिए देखिए देखिए, अगर ये बल्ब जल रहा है तो हमारा मोटर की क्वाइल और हमारा मैग्नेट बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये बल्ब ये तीनों जल रहा है तो अगर हम पहिया को घुमा रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमारा ये हमारा जो मोटर है बिल्कुल ओके है, जितना तेज घुमाएंगे उतनी तेज जलेगा ये। देखिए डिवाइस में बैटरी हो या ना हो ये हमारा मोटर चेक करके बता देगा। चलिए अब छोटी सी एक और जानकारी देता हूँ मैं, थ्रॉटल चेक करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके भी इसे कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा थ्रॉटल चेक करने का तरीका है इसे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे मेरे संग। देखिए फिलहाल के लिए ये मैंने सेंसर का यहाँ पे सॉकेट निकाला हुआ है थ्रॉटल का, लेकिन आपको सॉकेट निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये सेंसर वाला वायर है यहाँ पे दो सॉकेट बांध लीजिएगा इसको काट के, और दो सॉकेट बांध लीजिएगा ताकि सॉकेट टू सॉकेट फंस जाएगा, और नॉर्मली तरीके से आप इसको सीधा सॉकेट फंसाएंगे। दो तरीके का सॉकेट लगाइएगा, एक आगे वाले की तो आगे वाले लगाइएगा, एक पीछे वाला लगाइएगा, मतलब जो एक वायरिंग के आगे वाला लगा होता है वो लगा लीजिएगा और एक वायरिंग के पीछे लगा होता है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आराम से चेक कर लेंगे। देखिए सेंसर के अंदर हमारा जो थ्रॉटल होता है उसमें एक लाल होता है हमारा, देखिए लाल के अंदर हम लाल दाब देंगे, ठीक है, और हरे के अंदर हरा लगा देंगे, और काले के अंदर काला लगा देंगे। काला मतलब हमारा ग्राउंड होता है, ओके। अब देखिए हमने तीनों तारों को लगा दिया और डिवाइस को हम ऑन कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि डिवाइस हमारा ऑन हो गया, इसमें देखिए एक लाइट जल रही है, देखिए लाइट बंद करो, देखिए डिवाइस में एक ही लाइट हमारी जल रही है इस टाइम हमारे पास जो लाइट है डिवाइस में, देखिए ये वाली बंद करो, देखिए डिवाइस में हमारी एक लाइट जल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको थ्रॉटल पकड़ा हुआ है, देखिए थ्रॉटल जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे उसमें दूसरी वाली लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, देखिए जल रही है, फुल घुमा देंगे तो फुल ब्राइटनेस में आ जाएगी दोनों के दोनों, ठीक है। अब ऑफ कर रहे हैं, देखिए कम हो रही है, ये देखिए दूसरी जल गई, कम हो रही है, दूसरी फिर से जल गई, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या है कि इस हम सेंसर को थ्रॉटल भी चेक कर सकते हैं थोड़ा सा इस डिवाइस से, मोटर भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोलर भी चेक कर सकते हैं, और अपना कई चीजें मतलब जो भी हमारी रनिंग आइटम है कि हमारा मान लीजिए हमारा सेंसर कई बार ऐसा होता है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो सेंसर इसका परफेक्ट तरीका से बता देगा ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर आपको ये डिवाइस मंगानी है तो मुझे कॉल करें 8931000172 पे, ये आपको कोरियर के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, ओके।